जिले में बालू लदे वाहनों का कहर जारी है। दरअसल आज डेहरी के पाली पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवती की शादी इस महीने के 24 मई को होने वाली थी। युवती नवानगर की रहने वाली थी और आज सुबह जेम्स स्थित सिलाई सेंटर से अपने जीजा के साथ बाइक से लौट रही थी कि पाली पुल के पास बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंद डाला और चालक फरार हो गया, जिसमें घटना स्थल पर ही युवती शोभा कुमारी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुल के समीप जाम कर जमकर हंगामा किया। लोग पुलिस से अनियंत्रित ट्रैक्टर चालकों पर कार्यवाही करने की मांग पर अड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 लाइव। जेम्स ले आले करा रहे थे, साथ इधर से आगे से ट्रैक्टर था, वहीं हमको डिस्टर्ब कर दिया। आलू लगा था ट्रैक्टर? हाँ, और काफी स्पीड पे था ना। हाँ, बच्ची का क्या नाम है, कहाँ जा रहा है? बच्ची का नाम है शोभा कुमारी। हम जेम्स से आ रहे थे, इनको सिलाई सेंटर से लेकर के स्पीड था। इनका शादी था और 20 को इसका तिलक था, 24 को इसको बारात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दया शंकर राम पट्टा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तुम्हारी के रहने वाले हैं, थाना। कौन सा जिला? रोहतास।